सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे। का फैसला किया था। भारत ने अपनी टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में दो दो बदलाव हुए थे। एस्टन टर्नर और जेसन बेनड्रॉप की जगह शॉन मार्श और नेथन लायंस को अंतिम 11 में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को 5 और झटका पीटर हैंडसकॉम्ब के रूप में 171 के कुल स्कोर पर लगा था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैंडसकॉम्ब अपने अर्धशतक से चूक गए और 48 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को 5 और झटका पीटर हैंडसकॉम्ब के रूप में लगा था, तब स्कोर टीम का 171 हुआ था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैंडसकॉम्ब अपने अर्धशतक से चूक गए और 48 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे। वह संभल कर खेल रहे थे लेकिन 48 ओवर की तीसरी गेंद पर वे रनआउट हो गए। हैंडसकॉम्ब ने अपनी टीम के लिए दो अहम साझेदारी भी की। उन्होंने शॉन मार्श के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 और 5 विकेट के लिए मार्कस टेनिस के साथ 39 रनों की पार्टनरशिप की। शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल जल्दी पैवेलियन लौट गए। मेहमान टीम को मार्श मैक्सवेल से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने आशानुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। एस्टन टर्नर की जगह शामिल किए गए मार्श ने 27 गेंदों में 16 रन बनाए। जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे मैक्सवेल 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। मैक्सवेल इतने दबाव में थे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने 4 रन बनाने के लिए 18 गेंदें खेली थी। मार्श को रविंद्र जडेजा ने 24 ओवर में विकेट के पीछे धोनी के हाथों लपकाया, जबकि मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने 29 ओवर में बोल्ड कर दिया। मार्श को पहले वनडे में मौका नहीं दिया गया था। हालांकि मैक्सवेल ने पहले वनडे में टिककर बल्लेबाजी की थी और 51 गेंदों में 40 रन बनाए थे। मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ 2 T20 मैच की सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने पहले और दूसरे मैच में 56 और 113 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के तौर पर लगा था। टिककर बल्लेबाजी कर रहे ख्वाजा बड़ी पारी खेलने से चूक गए। उन्होंने 37 गेंदों में 48 रनों की छोटी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके भी मारे। ख्वाजा को 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर केदार जाधव ने पैवेलियन भेज दिया। वह जाधव की गेंद को पिच पर पड़ने के बाद भाप नहीं पाए और गलत शॉट खेल बैठे। गेंद लीडिंग एज लगने के बाद उड़ गई और कप्तान विराट कोहली के हाथों में चले गए। उनका विकेट कुल 83 के स्कोर पर गिरा। ख्वाजा ने पहले वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी। यह उनके वनडे करियर का 6ठा अर्धशतक भी था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने अच्छी शुरुआत की। पारी का आगाज करने आए उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच ने पहले विकेट के लिए 83 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों शतकीय साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे लेकिन फिंच 15 ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें कुलदीप यादव ने LBW आउट कर दिया। फिंच ने 53 गेंदों में 37 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का भी जड़ा।
पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम ने निराशाजनक आगाज किया था और फिंच बिना खाता खोले आउट हो गए थे।